उत्तर प्रदेश रे कॉलेज छात्र छात्री को बड़ा उपहार कोटिए पिलांकु टैबलेट स्मार्टफोन एक कोटी पिलांकु टैबलेट और स्मार्टफोन बंटन रो शुभारंभ होछि। स्मार्टफोन बंटन रो शुभारंभ करिछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। स्नातक स्नातकोत्तर शेष वर्गर शेष वर्षर पिलांकु मागणा टैबलेट स्मार्टफोन एकविंश शताब्दी को निज हाथ मुठारे रखापी युवापीढ़ी को आह्वान देते यूपी में युवापीढ़ी को डिजिटल शिक्षा प्रोत्साहन स्वागत योग्य पदक्षेप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व में प्रगति पथरे सरकारी स्कूल यह सहित लखनऊ में वाजपेयी प्रतिमूर्ति में श्रद्धांजलि अर्पण कर केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। देश की ओर से देश की शिक्षा विभाग की ओर से सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदित करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। उन्होंने देश में एक नई आज मानक खड़ा किया है। पहले भी कई सरकारों ने इस प्रकार की कार्यक्रम को हाथ में लिया होगा, लेकिन इस भव्यता के साथ, इस व्यापकता के साथ, इस विशाल कार्यक्रम को रचना करने की उन्होंने एक कल्पना रखी। आज एक नई उत्साह, नई उमंग आप लोगों के अंदर भरने का उन्होंने कल्पना किया। इस साधु काम के लिए, इस महत्वाकांक्षी काम के लिए मैं शिक्षा विभाग की ओर से सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन तथा मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। विश्वासी के कारण 21वीं सदी आपके कब्जे में आ जाएगी। चंद सेकेंड में उत्तर प्रदेश की ये कोई खबर, उत्तर प्रदेश की कोई जानकारी दुनिया में किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। और दुनिया के अंदर कोई भी अच्छे चीजों को, कोई भी अच्छे प्रशिक्षण को, हुनर को, स्किल को, पढ़ाई को, लेक्चर को आप क्षण भर में आपके पास ले आ पाओगे। ये आज इसीलिए मैं योगी जी को बधाई देता हूं। आपने नई पीढ़ी के लिए एक युगांतकारी आपने काम किया। दूसरी ओर मैं योगी जी को बधाई देता हूं दो दूसरे कारण के लिए। यही है, जब कोरोना के अंदर निजी स्कूलों की फीस की चैलेंज गरीबों को ध्यान में आया, मध्यवर्गियों को कष्ट दिया, उस समय में फिर लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहे और उस सरकारी स्कूल को लौट के बच्चों को आने की संख्या में अगर सबसे कोई प्रांत एक नंबर है सरकारी स्कूलों में अधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए सुबंदोबस्त कोई राज्य ने किया है तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। लखनऊ अटल जी की कर्म भूमि रही है और देश के अंदर 6 दशक तक भारत की राजनीति को उन्होंने जिस शुचिता पारदर्शिता के साथ एक नई दिशा देने का कार्य किया था वह पूरे भारतवासियों के लिए सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए और जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र को अपनी सेवा का माध्यम बनाने वाले युवाओं के लिए वह सदैव प्रेरणादायी बना रहेगा। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है लेकिन अटल जी की प्रेरणा हम सबको एक नई दिशा निरंतर देती रहती है। अटल जी ने एक बात बहुत मजबूती के साथ कही थी और मित्रों मैं अपने युवाओं से भी इसके बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही थी कि खासतौर पर देश के सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले सभी नागरिकों के लिए और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति ये मौत का फंदा होती है। जीवन में व्यक्ति को कुछ मूल्य और कुछ सिद्धांतों के लिए जीना चाहिए। अपने लिए जीना ये जीना नहीं होता है लेकिन जो व्यक्ति लोक के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, कुछ मूल्य और आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ता है उसी का जीवन सार्थक होता है और वही समाज के लिए प्रेरणादायी बनता है। मैं एक दिव्यांग छात्र हूँ और मैं दृष्टिबाधित हूँ, इसलिए शैक्षणिक कार्यों में मेरे को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड ना कर पाना, स्टडी मटेरियल्स का उपलब्ध ना हो पाना,
एवं आवश्यक सूचनाओं का समय से प्राप्त न कर पाना। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना के बाद मेरे को मेरी इन सभी समस्याओं का निवारण आसानी पूर्वक हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में मेरे को सुविधा प्राप्त होगी एवं मेरे कोर्स से संबंधित ऑडियो कोर्सेज मेरे को आसानी पूर्वक प्राप्त हो पाएंगे।